गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेट्रोमेजोन की के लक्षण, उसका जीवन चक्र और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी भाग थर्ड की यूनिट फर्स्ट का एक छोटा सा टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि जब जंतुओं को हम कोडेट्स को, विशेष रूप से कोडेट्स को वर्गीकृत करते हैं, तो उसमें एक साइक्लोस्टोमेटा वर्ग भी जो है वो आता है। तो पेट्रोमेजोन जो है बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा का एक जंतु है, जिसके अंदर जो बॉडी है वो ईल लाइक बॉडी होती है, और इसमें जो जबड़े जो होते हैं, एक नेत्रोस्टोमेटा होता है, यानी कि इसमें जो जबड़े होते हैं उनका अभाव होता है, और ये सामान्यतः जो है समुद्री जलीय होता है, लेकिन ये माइग्रेशन के लिए अपने समुद्री जल से फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेशन के रिप्रोडक्शन के लिए चला जाता है। ये बेसिकली एक फिश के समान संरचना है, और इसको हम कोडेट्स में के अंदर इसको फिश की श्रेणी में ही रखते हैं, लेकिन इसको अलग से एक साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है। इसकी शेप एंड साइज के बारे में बात करें तो ये एक एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ईल लाइक बॉडी होती है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसमें जो कलर है इसका, वो बॉडी डार्क कलर की होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वो पाए जाते हैं। वर्गीकरण में देखें तो ये फाइलम कोर्डेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन और जीनस पेट्रोमाइजोन का जीनस पेट्रोमाइजोन है। इसकी बॉडी जो है विशेष रूप से 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल, जो कि स्पष्ट रूप से डिमार्केटेड नहीं है, यानी कि स्पष्ट रूप से हम इसको बता नहीं सकते कि ये हेड है या ये ट्रंक है या टेल है, लेकिन ऐसा इसके हेड एंड ट्रंक जो है वो लगभग बेलनाकार आकृति के होते हैं, तथा टेल के ऊपर कोडल फिन्स तथा डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फिन्स की बात करें तो जो फिन्स है वो इसको तैरने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन इसमें जो पेरेंट फिन्स होते हैं उनका अभाव होता है, यानी कि जो युग्मित जो पखने जो फिशेस के अंदर पाए जाते हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर अनपेरेंट फिन्स पाए जाते हैं, जो कि कोडल फिन्स, 2 कोडल फिन्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक जो होता है वो टेल फिन होता है। इसकी जो आईज जो होती है उसके अंदर लेटरल आइज पाई जाती है, तथा इसके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, जो कि चूँकि ये जलीय जंतु है तो उसके अंदर वहाँ पाए जाने वाले जो वाटर है उसकी केमिकल नेचर को बताने के लिए इसके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम की उपस्थित होता है। इसके अंदर 2 प्रकार के छिद्र उपस्थित हैं, माउथ और नोस्टिल्स, यानी कि इसके अंदर मोनोराइनस कंडीशन पाई जाती है। इसमें जबड़ों का पूर्णतः अभाव होता है, और मुख जो होता है वो सकर के समान होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे दांत उपस्थित होते हैं। इस सकर के माध्यम से ये जो फिशेज जो होती है मेराइन वाटर के अंदर जो फिश पाई जाती है उनके ऊपर एक पैरासाइटिक प्रकृति के रूप में पाया जाता है, यानी कि उनके ऊपर उनकी जो त्वचा जो होती है उसके ऊपर इनसे चिपका रहता है। और इसके अंदर जो जीव जो होती है प्रोटर्सिबल जीव होती है, मतलब कि ये जीव जो होती है इसके अंदर छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं, और ये आरी के समान होती है, जो कि फिश की जो त्वचा होती है उसके अंदर कट लगा करके उसका ब्लड सक करने का कार्य करती है। और ये जो इकोनॉमिक जो फिशेज होती है, जो मेराइन वाटर की जो फिशेज होती है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनकी त्वचा के अंदर कट लगा देता है और उसका ब्लड सक करता है, जिसके कारण उन फिशेज के अंदर कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, और वो जो उनकी इकोनॉमिक जो वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार जो पेट्रोमेजोन है एक पैरासाइटिक प्रकृति का जंतु है, जो कि फिश की जो मेराइन जो फिशेज है उनके ऊपर अपना जीवन यापन करता है। इसके जो बकल फनल होता है, जिसके अंदर जो छोटे छोटे जो दांत हैं उनकी एक सर्कल के रूप में कपलाई की स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर छोटे छोटे दांत उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा ये बकल फनल जो होती है, बकल फनल
के द्वारा ही ये फिश की जो बॉडी होती है उसके साथ में अटैच होता है। इसके अंदर जो पहले अभी बात की थी कि जो जीव है वो भी उपस्थित होते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये फिश की बॉडी में कट लगाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार बकन फ्लन इसकी वो संरचना है जिसके द्वारा ये फिश की बॉडी से चिपका हुआ रहता है, क्योंकि जबड़ों का अभाव होता है अतः ये गोल आकृति का होता है, और इसीलिए जो पेट्रोमाइजोन है उसको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है। अगर इसके जो सामान्य जो लक्षण है उसके बारे में देखें तो इसमें नोस्टिल्स उपस्थित है, इसमें वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट जैसी आई उपस्थित है, इसमें वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम उपस्थित है, इसमें वेल डेवलप्ड पीनियल आई पाई जाती है, दो जोड़ी इसमें सेमी सर्कुलर किनास पाए जाते हैं, इसके अंदर 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो कि गिल्स लिट्स के द्वारा उसके अंदर उपस्थित होते हैं। क्रेनियम जो है इसकी कार्टिलेजिनस क्रेनियम होती है जो कि बॉडी के टॉप साइड के अंदर पाई जाती है। इसमें ओपिस्टो नेफ्रिक जो है वो किडनी पाई जाती है जो कि प्रिमिटिव प्रकार की किडनी होती है। इसमें जो अंडे हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर अंदर अंडे देता है। इसकी अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें हैगफिश के भी कुछ करेक्टर्स, इसको हैगफिश भी कहा जाता है। इसमें स्ट्रिक्टली ये मेराइन होती है और इसके ऊपर अस्थियाँ इसके अंदर अनुपस्थित होती है। रेस्पिंग टंग होती है, रेस्पिंग टंग का मतलब होता है कि आरी जैसी जीभ पाई जाती है। देखो इसकी जो पेट्रोमाइजोन है उसकी लाइफ साइकिल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है इसकी, जिसके अंदर जो खुद जो पेट्रोमाइजोन है वो तो समुद्र जल के अंदर पाया जाता है और लगभग 1 मीटर लंबा होता है। जब ये 2 साल तक समुद्र जल के 2 या 3 साल का समुद्र अंदर होता था ये बिल्कुल एडल्ट होता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन मतलब कि जनन काल के अंदर यानी स्प्रिंग जो है स्प्रिंग सीजन के अंदर वसंत ऋतु के अंदर इसमें इसके अंदर जनन काल आता है और ये इस जनन ऋतु के अंदर अपने जो मूल स्थान जहाँ पर ये मेराइन वाटर के अंदर उपस्थित है, समुद्र जल के अंदर उपस्थित रहता है, तो ये वहाँ से माइग्रेट होकर के अंडे देने के लिए जो फ्रेश वाटर जो होता है यानी नदियों की मुहानों की तरफ ये गति कर जाता है, वहाँ से माइग्रेट हो जाता है। इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो एनाटोमस माइग्रेशन होता है, मतलब कि इसमें मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब ये फ्रेश वाटर के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर इनके द्वारा मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, तो इनके द्वारा एक मड के अंदर एक छोटा सा घोंसला बनाया जाता है, मड जिसके अंदर मेल और फीमेल के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। अंडे देने के बाद ये जो मेल और फीमेल होते हैं पेट्रोमाइजोन, ये उनकी डेथ हो जाती है और अंडे जो है कुछ समय पश्चात उनमें से लार्वा निकलता है जिसे एमोसीट लार्वा कहते हैं। एमोसीट लार्वा एक लंबी लार्वा अवधि तक में पाया जाता है, लंबी लार्वा अवधि तक लगभग 7 साल तक की लार्वा अवधि होती है। जब ये एडल्ट हो जाता है, जब इसका लार्वा मेटामॉर्फिस होकर के एडल्ट में बदल जाता है, तो यह है उस जगह पर उस जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर जो है फीडिंग करता है। फीडिंग करने के बाद में ये वहाँ से पुनः अपने समुद्री जल के अंदर आ जाता है और 2 या 3 सालों के अंदर ये पूर्णतः एडल्ट के अंदर बदल जाता है। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल जो है फ्रेश वाटर मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर के अंदर जो माइग्रेशन होता है उसके द्वारा पूर्ण होती है। ये जो है हैगफिश और लिम्प्रे का जो डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपन देख सकते हैं। तो ये एक जनरल जो आइडिया था लिम्प्रे के बारे में। इसके बाद अगली बार अपन जब भी पढ़ेंगे तो इसके जो एमोसीट जो लार्वा उसकी संरचना और उसको किस तरीके से उसमें माइग्रेशन होता है उस सब के बारे में बात करेंगे।